बेगूसराय में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। घटना मटिहानी थाना इलाके के सीमा पंचायत के गोसाई टोला वार्ड नंबर 4 की है, जहां भीषण आग लगी में दर्जनों घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक दिलीप यादव के घर से निकली छोटी चिंगारी से आग लग गई और हवा के कारण काफ़ी तेजी से आग बढ़ा और देखते ही देखते कई घरों में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना के आधे घंटे के बाद अग्निशमन दल घटनास्थल पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग लगी हुआ है, आग लग गया सीमा गोसाई टोल में। कितने सामान कर रहे हैं एग्जैक्ट? देखिए, हम लगे हुए हैं अभी, क्योंकि बुझा रहा है तो ऐसे में संभव नहीं था। बताया गया 25 परिवार, लेकिन हम खुद गणना कर रहे हैं, थोड़ा हमको समय लगेगा इसमें। और सारे प्रभावित परिवारों को 9800 रुपये का चेक दिया जाएगा, वो रिफिन दिया जा रहा है। फिर इधर आया है साई के अथी से, ये वो वितरित किया जाएगा अभी। और इंदिरा आवास के तहत हैं, हाँ इंदिरा आवास के तहत हम इनके घर बनाने की अनुशंसा प्रखंड विकास पदाधिकारी को कर देंगे, परसों कर देंगे। मेरा चल रहा है यहाँ पर कोरोना का, तो वहाँ हम खाना बनवा देंगे। कोरोना सेंटर है स्कूल में, मध्य विद्यालय पथला है, हाँ पथला प्राथमिक विद्यालय पथला टोल है, इसमें खाना बन जाकर के हमें कल ही इनको चेक दे दिया जाएगा, क्योंकि लंबी छुट्टी है, सब हम चेक कर लेते हैं आधार ये से। कल आ जाएँ 8:30-9:00 सारे प्रभावित को चेक कर लेते हैं। हिमा गोसाई टोला में दिलीप यादव के घर से अचानक आग लग गया, जिसमें लगभग करीब 40-50 घर जलकर राख हो गया। और यहाँ तक जितना भी हर पार्टी के घर प्रतिनिधि भी आए, हमारे मुखिया समिति और राष्ट्रीय जनता दल के भी अध्यक्ष हैं, CPI का भी अध्यक्ष अनिल अनजान हैं, ये तमाम लोग के बीच ये हुआ है। और विशेष बात दो अढ़ाई बजे के दिन में लगभग अज्ञात ढंग से आग लगा, किसी को ट्रेस नहीं है कैसे लगा, जिसमें कि लगभग 75 परिवार का घर जल चुका है, किसी का कोई सामान नहीं निकला है। 2 बकरी जल गई है, 1 गाय जल गया है, सब छत बिछत हो गया, किसी के पास ना अनाज है ना भूसा है, सब नया अभी खेती का समय था, ना बर्तन है ना घर है छप्पर है, कुछ नहीं है। किस तरह की मदद की गई है लोग? मदद तो अभी तत्कालिक पॉलिथीन और कुछ पैकिंग आया है, और रात में खाना ही कोरोना वाला कैंप से सबको खाना मिलेगा, तत्कालिक अभी हुआ, यही हुआ व्यवस्था। और आगे के लिए किस तरह? आगे के लिए विभागीय पदाधिकारी CEO साहब भैये हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि सब भैये हैं, जो होता है सब करते। क्या नाम हुआ आपका? आए? आपका क्या नाम हुआ? ललन कुमार सिंह, मुखिया सीमा पंचायत। सूचना मिली कि सीमा के गोसाई टोल में आग लग गई है, SDO साहब के द्वारा और मिनिस्टर देवाल जी के द्वारा बताया गया। मरवाड़ी सम्मेलन के द्वारा जो हम लोग को पैकेट उपलब्ध कराया गया, 30 पैकेट राशन का, वो हम लोग लेकर अग्निपीड़ित परिवार के बीच आए इस दुख की घड़ी में। हम लोग जो बन पड़ा वो लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। राशन का पैकेट है, जिसमें चावल दाल आटा आलू पानी का बोतल समेत बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, जो इनको अभी काम सुबह तक प्राप्त हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग जो भी रसोई टीम लगातार जहाँ भी इस तरह की घटना घट रही है या जहाँ भी अग्निपीड़ित हैं या आग लग रही है, वहाँ जा जा करके हम लोगों से जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ मोबाइल सम्मेलन के द्वारा भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है और राशन का पैकेट जो उपलब्ध कराया गया है उसे हम लोग लेकर। क्या नाम हुआ? अमित जायसवाल।